Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions of Q. So let us start with the first question. A linear list of elements in which deletion can be done from one end and insertion can take place only at the other end is known as. एक लीनियर लिस्ट आपके पास है एलिमेंट्स की, ठीक है, जहाँ पे डिलीशन एक एंड से होता है, जिसको फ्रंट कहा जाता है, इसको आप फ्रंट मान लो, यहाँ से डिलीशन होगा एलिमेंट्स का, ओके, एंड रियर सेकेंड एंड जिसको रियर कहा जाता है, वहाँ से क्या होगा, इंसर्शन होगा. तो आपका फ्रंट से डिलीशन होगा और आपका रियर एंड से इंसर्शन होगा. ऐसी लीनियर लिस्ट को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्यू, राइट. अ क्यू फॉलोज, क्यू कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, क्यू फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, राइट. जैसे क्यू के अंदर आपने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, देन आपने सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट किया, देन आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया, और अब जब डिलीशन होगा तो कैसे होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था ये डिलीट होगा सबसे पहले, राइट. फिर जो आपने सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट किया था वो डिलीट होगा, फिर जो आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया था वो डिलीट होगा. तो यहाँ पे ये कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आपने जो नंबर वन था वो सबसे पहले इंसर्ट किया है और नंबर वन सबसे पहले आउट हो जाएगा, राइट. इफ़ द एलिमेंट्स ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ क्यू, अगर आपने एक क्यू के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया है ए, राइट, बी, ओके, सी एंड डी, ओके, प्लेस्ड इन अ क्यू एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम. अब यहाँ पे वन बाय वन एलिमेंट्स डिलीट होंगे, इन व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव, तो कौन से ऑर्डर में रिमूव होंगे. क्यू कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ए को सबसे पहले आप इंसर्ट किया गया था तो सबसे पहले ए रिमूव होगा, देन बी को इंसर्ट किया गया था तो फिर बी रिमूव होगा, देन सी एंड देन डी, बिकॉज इट फॉलोज फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, राइट, दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ एंड्स बट नॉट इन द मिडल इज, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स को आप दोनों एंड्स पर, ओके, फ्रंट एंड एंड रियर एंड दोनों से इंसर्ट कर सकते हो. आप उसको फ्रंट एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो और आप उसको रियर एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो, ओके. तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एलिमेंट्स आप इंसर्ट दोनों एंड से कर सकते हो और आप डिलीट भी दोनों एंड से कर सकते हो, फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हो और रियर से डिलीट कर सकते हो, बट नॉट इन द मिडल. लेकिन आप जो ये एक्टिविटी है इंसर्शन की एंड डिलीशन की, वो मिडल ऑफ मिडल से नहीं कर सकते, राइट. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं डी क्यू, राइट. डी क्यू में क्या होता है, वी कैन इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द एंड्स. आप दोनों एंड से एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, बट मिडल में आप, क्यू के मिडल में आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट, ओके. अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन, आपको बताना है कि क्यू, एक नॉर्मल क्यू है वो फुल कब हो जाएगी, राइट. अब यहाँ पे उसका जो साइज है मैक्स साइज दिया हुआ है, फाइन. तो हमारा फर्स्ट जो है वो देखते हैं, रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन, राइट. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मैक्स साइज हमारा फाइव है, ओके. मैक्स साइज क्या है हमारा, फाइव, मतलब क्यू में फाइव एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्यू बना ली, राइट, और उसमें आपने वन टू, ये जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ, ये मेरा वन हो गया, ये नहीं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं ए, ओके, एंड इसको हम ले लेते हैं बी, ये क्यू के एलिमेंट हैं, सी डी एंड ई, ठीक है. मैक्सिमम साइज मैंने मान के चला है कि फाइव है, राइट, ए बी सी डी ई. अब यहाँ पे ए का जो इंडेक्स है वो जीरो है, बी का वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर. अब तो यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स है वो क्या कंसीडर होगा, वो फ्रंट कंसीडर होगा, एफ, राइट, फ्रंट, ये क्यू का फ्रंट है. और फोर क्या कंसीडर होगा, इसका रियर कंसीडर होगा, राइट, क्यू का ये रियर कंसीडर होगा. तो अब यहाँ पे देखो, इसका लिमिटेड साइज मैंने फाइव माना था कि क्यू में फाइव एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, ओके. तो क्यू को फुल कब माना जाएगा, जब रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन. साइज क्या है, फाइव है, ओके, और रियर है, रियर को अगर आप करोगे यहाँ पर देखो, फाइव, मैक्स साइज क्या है, फाइव, फाइव माइनस वन
राइट, इक्वल्स टू 4. ओके, यहाँ पे रियर आपका आ गया 4, और यहाँ पे 4 जब आपका रियर आया है तो Q क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, राइट. तो जो आपका ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस 1. ओके, अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस 1. ओके, नाउ क्यू सर्व मेजर रोल इन, क्यूज का सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो किस में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास रिकर्शन है, रिकर्शन सिमुलेशन ऑफ रिकर्शन, रिकर्शन आपका स्टैक में यूज़ होता है, सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट में यूज होगा, राइट. सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन, तो हमारा क्यू जो होता है वो लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन में यूज़ होता है. यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा सबसे पहले आया है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बाकी के डेटा से. ओके, एंड सिमुलेशन ऑफ हीप शॉट, यहाँ पे हीप शॉट यूज होगा, तो इसका करेक्ट जो आंसर है क्यू सर्व मेजर रोल इन सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन, ये है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्यू नहीं है. तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी क्यू है, सिंगल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू. ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्यू नहीं है वो है सिंगल एंडेड क्यू, राइट, बिकॉज क्यू ऑलवेज हैज़ टू एंड्स, क्यू में हमेशा दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड, राइट. इसलिए यहाँ पे जो सिंगल एंडेड क्यू है वो क्यू नहीं है. ओके, और जो सर्कुलर क्यू होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेड ना सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन की जगह वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, राइट. प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो डेटा जिस डेटा को मोर प्रायोरिटी मिली होती है वो पहले रिमूव होता है. ओके, और जो आपकी ऑर्डिनरी क्यू है वो आप जानते हैं, राइट, वो क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है हैविंग द फ्रंट एंड रियर एंड. ओके, नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्यू, इनमें से कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है क्यू का. वेटिंग इन अ लाइन इन ऑर्डर फूड एट अ रेस्टोरेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लाइन में लगे हो रेस्टोरेंट में, तो अगर आप फर्स्ट नंबर पर हो तो आपको सबसे पहले मिलेगा फूड, राइट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपको मिलता है, राइट, नंबरिंग होती है. तो ये क्यू का एग्जाम्पल है. वेटिंग इन लाइन टू बाय मूवी टिकट्स, ये भी क्यू का एग्जाम्पल है. मैनेजिंग टास्क ऑन अ सीपीयू में भी क्या होगा, वन बाय वन जो टास्क सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले कंप्लीट होगा, फिर सेकंड, ऐसे ही होता है. ओके, ये भी क्यू का एग्जाम्पल है. अब यूजिंग अ स्टैक ऑफ डिशेस, तो स्टैक ऑफ डिशेस जो है वो किसका है, स्टैक का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्यू, तो हमारा ऑप्शन है डी, राइट. ओके, नाउ विच ऑपरेशन इज यूज टू एड एन एलिमेंट इन द क्यू, इनमें से कौन से ऑपरेशन को यूज किया जाता है क्यू में एलिमेंट्स को एड करने के लिए, तो वो होता है आपका एन क्यू, राइट. एन क्यू ऑपरेशन इज यूज टू एड एलिमेंट्स इन द क्यू, फाइन. वट इज द ऑपरेशन टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, क्यू में से एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं डी क्यू, राइट. वट डज अंडर फ्लो मीन इन अ क्यू, क्यू के अंडर फ्लो का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है क्यू इज एम टी, राइट. अंडर फ्लो इज अ सिचुएशन वेयर एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम टी क्यू, मीन्स अंडर फ्लो वो सिचुएशन है जहाँ पे हम एम टी क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. ओके, इज अ क्यू अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्यू एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, यस, क्यू क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट्स साइज कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, आप क्यू के साइज को चेंज कर सकते हो जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रंट ऑफ अ क्यू, क्यू का फ्रंट कौन सा होता है, द फर्स्ट एलिमेंट एडेड, राइट, जो सबसे पहला एलिमेंट आप क्यू के अंदर ऐड करते हो वो एज अ फ्रंट कंसीडर होता है क्यू का. ओके, विच इज़ अ टाइप ऑफ क्यू, इनमें से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्यू है, तो प्रायोरिटी क्यू आपकी टाइप ऑफ क्यू है, लीफो एंड ये क्या है, ये क्यूज़ के नेम नहीं है. ओके, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रिमूव किए जाते हैं क्यू में से. ओके, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, आप जब क्यू से डेटा डिलीट कर रहे हो तो आपको कौन सी कंडीशन को चेक करना होता है, तो आपको यहाँ पे चेक करना होता है अंडर फ्लो को, राइट. अंडर फ्लो क्या होता है, यू नीड टू चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, राइट. आप चेक करोगे कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है,
फाइन, तो इसको क्या, तो यहाँ पे आपको अंडर फ्लो कंडीशन को चेक करना होता है बिफोर डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम द क्यू. ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर इंसर्टिंग इनटू अ फुल क्यू नोन एज, अगर क्यू फुल है राइट, और आप उसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो होगा लाइक स्टैक. जैसे स्टैक में ओवरफ्लो होता है, अगर स्टैक फुल है आप उसमें और डेटा इंसर्ट करना चाहते हो वो ओवरफ्लो हो जाता है, सेम वे क्यू भी ओवरफ्लो हो जाती है अगर उसमें, अगर फुल क्यू के अंदर आप और एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हो राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इफ टू एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी क्यू हैव द सेम प्रायोरिटी राइट. प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जहाँ पे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रिमूव किए जाते हैं राइट. तो अगर दो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट पहले रिमूव होगा, तो इसके लिए फीफो क्राइटेरिया को यूज किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट राइट. इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वही एलिमेंट पहले रिमूव होगा. ओके, नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन इन डी क्यू राइट. तो यहाँ पे डबल एंडेड क्यू है हमारी और आपको बताना है कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं क्यू के ऊपर, तो इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट किया गया है 10 को, तो हमने यहाँ पे अपनी क्यू में डाल दिया 10. फिर इंसर्ट किया गया 20 को इन फ्रंट, ठीक है, फ्रंट में इंसर्ट किया 10 को, फिर फ्रंट में इंसर्ट किया 20 को, तो फ्रंट में आपका 20 आ गया और ये आ गया आपका 10 राइट. फिर रियर में इंसर्ट किया गया है 30 को. ओके, तो आपका ये हो गया 20 फ्रंट में, देन 10 एंड देन रियर में 30 किया गया है, तो रियर में आपका आ गया 30. ओके, फिर रियर में 40 को इंसर्ट किया गया है, तो आपका आ जाएगा 20, ओके, 10, 30 एंड 40. ओके, लाइक दिस. अब डिलीट फ्रंट, फ्रंट को डिलीट कर दिया गया तो क्या डिलीट हो जाएगा आपका, 20 डिलीट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे फिर डी क्यू के एलिमेंट्स, 10, 30 एंड 40. ओके, 10, 30 एंड 40 राइट. अब इंसर्ट फ्रंट 50, अब फ्रंट में 50 को इंसर्ट किया गया है तो क्या आ जाएगा, 50 राइट, 10, 30 एंड 40. ओके, अब डिलीट रियर, अब रियर को एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा तो आपका 40 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा, 50, ओके, 10 एंड 30. ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके डबल एंडेड क्यू में, ओके, डी क्यू में. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, आपका ऑप्शन करेक्ट है बी, और यू कैन से ऑप्शन टू, ठीक है, आपका ऑप्शन टू करेक्ट है, 50, 10, 30. ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द गिवन पाइथन कोड, आपको पाइथन कोड दिया गया है और आपको इसका आउटपुट बताना है राइट. तो सबसे पहले आपके पास डी क्यू है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, तीन एलिमेंट्स है, आपने अपेंड कर दिया 5 को, 5 को अपेंड कर दिया, तो 1, 2, 3 एंड 5 अपेंड हो गया. देन आपने लेफ्ट में अपेंड किया 6 को, लेफ्ट में, तो यहाँ पे पहले 6 आएगा, देन 1, 2, 3 एंड 5. ओके, देन आपने एक्सटेंड किया 7, आगे इसको बढ़ाया 7, तो आपका क्या हो जाएगा, 6, 1, 2, 3, 5 एंड 7 राइट. ये आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर क्या है, सी, 6, 1, 2, 3, 5, 7. ओके, नाउ इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे. यहाँ पे हम एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे, एम्प्टी मेथड का यूज करेंगे. इट रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी नहीं है. ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.